हाय मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हूँ पीपी चेकलिस्ट। पीपी का मतलब हर सभी लोगों को तो पता ही है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या होते हैं ये भी शायद बहुत लोगों को पता नहीं होते, बट ये इस वीडियो में मैं टोटली मैं डिस्कस करूँगी इसके बारे में। तो आप लोग देखिए, आप लोग जो ड्यूटी करते हैं जिस प्रॉपर्टी में, तो उस प्रॉपर्टी में भी पर्सनल सिक्योरिटी का, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है। जैसे मेन गेट में ड्यूटी की है तो जैसे HHMD, ट्रैफिक कोन, बॉम बैरियर, DFMD, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, और अंडर व्हीकल मिरर, ये सब EVM, ये सब सिक्योरिटी का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है। जैसे फायर ब्लैंकेट, फायर एक्सटिंग्विशर, हेलमेट, डस्ट मास्क, ये सब। तो ये सब को हम लोगों को मंथली मंथली चेक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि किधर खोया है या कोई तोड़ा है या डस्ट है, ये सब हम लोगों को पता नहीं होते। बट इसके लिए हम लोगों को हर प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी की टाइम ऑफिस होता है, गेट में या किसी का बड़ी बड़ी होटल में अंदर में होती है, तो उसको बोला जाता है टाइम ऑफिस। तो टाइम ऑफिस में क्या क्या पर्सनल इक्विपमेंट्स होता है उसका एक चेकलिस्ट बनाना चाहिए, और गेट में जो सिक्योरिटी केबिन होता है उसका भी एक चेकलिस्ट बनाना चाहिए। बाकी तो जो भी पीपी किट्स होगा ये सब तो बीच में तो नहीं रहेगा, पार्किंग एरिया में तो ये सब नहीं होता है। तो बेसिकली ये फायर एक्सटिंग्विशर का अंडर में नहीं आता है, दिया नहीं जाता है। बट जो पर्सनल इक्विपमेंट्स, जो इमरजेंसी सिचुएशन में जो हैंडल करने का जो इक्विपमेंट्स होता है उसको बोले जाते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें टाइम ऑफिस डालकर पार्सल मतलब पीपी इक्विपमेंट्स, टाइम ऑफिस पीपी इक्विपमेंट्स मतलब टाइम ऑफिस की पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की इसमें डाला गया है। जुम नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें आप लोग देख सकते हैं फायर जैकेट, फर्स्ट एड, स्ट्रेचर, ERT कैप, हेलमेट है, ये लोग आप लोग देख सकते हैं। जो भी इसमें फायर मतलब इमरजेंसी, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन का जो ये है पीपी किट है, इसमें अपडेटेड है। तो जो जो है उसमें आप लोग ऐसे अपडेट बना मतलब ये कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। साथ साथ उसमें क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है वो भी अपडेट कर सकते हैं, और अवेलेबल मतलब इसमें क्वांटिटी देना है और इसमें अवेलेबल है या नहीं, मतलब इस लोकेशन में ये अवेलेबल है या नहीं, है तो यस, और नहीं होने से नो, इसमें नॉन अवेलेबल नो, और रिमार्क्स में अगर थोड़ा बड़ा है तो उसमें लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग जो मेन गेट का जो जो भी इक्विपमेंट्स होता है उसका भी एक ऐसे सेम बना लीजिए, फॉर्मेट बनाकर मेन गेट में क्या क्या चीज़ है, मेन गेट में जो जो आइटम्स होता है, जैसे रेनकोट होता है, बहुत सारे मतलब पार्टी की मेन गेट में रेनकोट होता है, बॉम्बेरियर होता है, ये थोड़ा ये कुछ है, बाद में जो गमबूट होता है, अम्ब्रेला होते हैं, वाकी डकी होते हैं, सिक्योरिटी की जैकेट होते हैं, जो भी सिक्योरिटी का ऐसे इक्विपमेंट्स है ये सब इसमें अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद क्वांटिटी कितना है, अवेलेबल है या नहीं, आप लोग ऐसे हर मंथ में चेक करेंगे। तो अगर इसमें गम्बूट 2 सेट था, उसके बीच में 1 सेट गायब है, कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है, तो ये हर मंथ चेकिंग होने से फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ ये दिस मंथ ये गुम हुआ है। तो इसमें क्वांटिटी 1 लिख दीजिए और अवेलेबल 1 लिख लीजिए, और नॉन अवेलेबल 1 लिख लीजिए, और रिमार्क्स में 1 पेयर मिसिंग, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते, पूछताछ कर सकते, कहाँ क्या हुआ इसके बारे में जानकारी मिल सकता है। अगर ऐसे मतलब मंथली चेक नहीं होगा तो ये कब गुम हुआ है, अगर बारिश का सीजन नहीं है तो ये यूज़ नहीं होगा, और यूज़ नहीं होने से कारण इसको यूज़ नहीं किया जाएगा, और कब मिस हुआ तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके लिए यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए, आप लोग जिस प्रॉपर्टी में है उस प्रॉपर्टी में मंथली ऐसा एक चेकलिस्ट बना लीजिए, और जिस जगह में आप लोगों की पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है सिक्योरिटी की, उस एरिया का लोकेशन डाल दीजिए ऊपर में, जैसे इसमें डाला गया है
टाइम ऑफिस आपका जो भी है, ब्लॉक नंबर टू, ब्लॉक नंबर अपॉइंटमेंट में है, अगर होटल में है, अगर किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में है, जिस सॉफ्टवेयर जिस ओडीसी की है या जिस गेट का, अगर दो तीन गेट है तो गेट का गेट नंबर वन, गेट नंबर टू, ऐसे भी अब ये देकर है उधर में हेडिंग देकर आप लोग ऐसे बना सकते हैं। तो ये बनाने से यही फ़ायदा है, जो भी मिसिंग आइटम्स है उसको जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गैस ऐसे वीडियो, सिक्योरिटी रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और मैं भी ऐसे छोटे छोटे नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ट्राई करूँगी। थैंक यू गैस।